हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल. मैं हूँ आकाश विमल. ये है अलास्का और वो था साया. अभी वो उधर जाके तकिए पे सर रखकर सो गया. सो यस, दिस वीडियो इज अबाउट माय कॉफी. आई एम श्योर हर किसी को पता होगा और हर कोई इस वजह से डॉग्स नहीं पालते हैं. उनको लगता है कि जब वो डॉग बूढ़ा हो जाएगा, जब वो जानवर बूढ़ा हो जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो ना झेल नहीं पाएंगे इमोशंस. ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर से बढ़ के हो जाते हैं ये घर पे. और जब यू नो, जब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं. यू नो, आप कुछ खा नहीं सकते हो, आपको नींद नहीं आएगी और आपके दिमाग में यही चलता रहेगा. बट इट्स गुड, इट्स नेचर्स लॉ, जो आता है वो जाता है. सो आई टेल यू गाइज अबाउट कॉफ़ी फर्स्ट. तो कॉफ़ी इज अ पर्शियन कैट जो कि मैंने अभी कुछ महीनों पहले उसको अडॉप्ट किया था. एंड शी वॉज रेज्ड बाय अ फैमिली जहाँ पर आई डिडंट नो अबाउट हर. उसकी क्या एज है, क्या उसको वैक्सीनेशन लगे हैं क्या नहीं, आई डिडंट नो. तो मैंने अभी उसके पूरे प्रॉपर वैक्सीनेशन कम्प्लीट करे जब उसको हम लोगों ने यू नो, जब हम उसको लेकर आए तो. और शी वॉज वेरी क्यूट. यस, उसका थोड़ा सा ऐसे पंच्ड फेस है और एजड है वो काफ़ी. हमें बताया गया था कि वो 8 साल की है, पर जब मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 10 साल से तो फॉर श्योर ज़्यादा की है. तो वो 11 साल के अराउंड की उन्होंने बोला है कि वो है. और अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, उसने खाना खाना छोड़ दिया और 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया. और 2 दिन के बाद वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई, बहुत ज़्यादा वीक हो गई. और मतलब वीर बहुत धीरे धीरे चलती थी और बहुत आराम आराम से चलती थी. वी टुक हर टू द डॉक्टर और डॉक्टर ने उसको ड्रिप वगैरह लगाई. उसके बाद एक दिन अलास्का और साया का वैक्सीनेशन डे था तो हम लोग कॉफ़ी को भी साथ में लेकर गए वेट के पास. तो उसके नीचे ना बहुत ज़्यादा मैट हुआ हुआ था उसका कोट, तो वो हमने पूरा ट्रिम करवा के उसको पूरा करवा दिया. तो इसलिए कॉफ़ी अभी ऐसे इतनी क्यूट जो लग रही है वो इसीलिए लग रही है. So finally she is eating and you cannot really imagine how fucking happy we are. Sai, seriously, we've been almost crying for a while. Chalo, it's good. She's just eating the fish. She's only eating jelly out of this. Yeah, but something's better than nothing. तो कॉफ़ी जो नए किटन्स हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ना ही स्नोई करती है, पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. स्नोई इज ओवर हियर. तो फाइनली इट हैपेंड और वो खाना खाने लगी. अभी वो सिर्फ फिश खा रही है, पर अच्छी बात है, फिश अगर वो खा रही है तो इट्स गुड, एटलीस्ट कुछ खा रही है. क्योंकि हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि वो कुछ नहीं खा रही थी, वरना वो दही भी खाती है, फिश भी खाती है, चिकन भी खाती है, शी इट्स एवरीथिंग. और अभी बिल्लियों की आवाज़ें आ रही हैं. सो वी ऑल्सो हैव 2 किटन्स, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ. सो एवरीबॉडी, इसका नाम है कायरो और इसका नाम सहारा. अभी अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही रखा है इसका नाम. सहारा इज मोस्ट प्रॉब्ली फीमेल और कायरो इज मोस्ट प्रॉब्ली मेल. ये तो शायद फॉर श्योर ही मेल है. और ये एकदम ऐसे पूरे दिन घर पे मेरे कार्टून ही चलता रहता है. एंड यू कैन सी, बस अब ये लोग खेलना शुरू कर देंगे. कॉफी को काफी ज्यादा पसंद नहीं है ये बच्चे. आई नो मैन, जब आपका जानवर एकदम यू नो, व्हेन दे आर ओल्ड, जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो दे नीड कॉन्स्टेंट केयर, बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है आपको उनकी. जैसे कि अभी कॉफ़ी है, कॉफ़ी इज़ नॉट रियली वेल. एज की वजह से किडनीज और लिवर पे भी फ़र्क पड़ता है. तो शी इज़ गोना बी ऑन द ड्रिप्स, क्योंकि सारा जितना न्यूट्रिशन है इसकी बॉडी को वो नहीं मिल पा रहा है.
और आज भी इसको ड्रिप लगी है, अभी ये ड्रिप लग कर ही अभी अभी आई है यहाँ पर. एंड यस शी इज डूइंग गुड. इसको थोड़े से मल्टीविटामिन और इन सब के इंजेक्शन भी लगे हैं और मैं इसको लिवर टॉनिक और वो सब भी दे रहा हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर एंड शी इज क्यूट, वेरी क्यूट. मेरे पीछे कौए की एक आवाज़ आ रही है, मैं उससे भी आपको मिलाऊंगा. वो एक रेस्क्यूड कौआ है और वो चिल्लाता ही रहता है, जैसे ही मेरी आवाज़ सुनता है वो चिल्लाता रहता है. तो कॉफी इज डूइंग गुड, शी इज होल्डिंग वेल एंड यस हमारी पूरी कोशिशें हैं. अभी उसका दोबारा हमें ब्लड टेस्ट वगैरह कराना है, नहीं अभी कराया है तो उसके अभी रिपोर्ट्स आने बाकी हैं. एक करवाया है जिससे शायद से उसको जॉन्डिस के चांसेस लग रहे हैं, नॉट श्योर, बट शी इज ईटिंग एंड पूपिंग. उसको थोड़ा सा लूज मोशन है तो लेट्स सी, उसको काफ़ी सारी चीज़ें हम दे रहे हैं तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मेहनत कर ही रहे हैं और इस वीडियो बनाने से मेरा एक ही मतलब था कि जानवर हो जाते हैं बूढ़े, काफ़ी सारे पेट्स होते हैं हो जाते हैं बूढ़े, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनको छोड़ दें या फिर हम उनकी केयर करना बंद कर दें, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और देखो जाना तो सबको होता ही है इन द एंड, पर कैसे जाना है, वो खुशी से जाए या गम से जाए, बस इसका डिफरेंस होता है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर एनिमल्स, अगर वो खास तौर से ओल्ड एज है. मेरे पास मेरे पास स्नोई है, स्नोई इज अराउंड 12 इयर्स और मेरे पास थियासा थी, थियासा भी बूढ़ी होकर गई है. थियासा वाज माय डार्लिंग. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू गाइस रियली लाइक द वीडियो. और अगर आप मेरे रेस्क्यूज में मेरे साथ सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो नीचे एक सुपर थैंक्स करके होगा एक बटन जो एक दिल है उसमें डॉलर का साइन होगा, तो यू गाइज कैन बी अ पार्ट ऑफ माई रेस्क्यूज. आप उसमें डोनेट कर सकते हैं एंड यू गाइज कैन बी अ पार्ट. तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग. अपने घर के आसपास के जानवरों का थोड़ा ध्यान रखो, अपने माँ बाप की इज्जत करो एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड. नो साया, कॉफी दैट्स डॉग फूड, दैट्स डॉग फूड.